फ्रेंड्स, एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपने पटना रिसोर्ट में और आज मेरे प्यारे देवर अमरजीत जी का शादी है और वही अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अभी वो लोग आए नहीं है, आते हैं तो फिर आप लोगों को मिलवाते। फ्रेंड्स, एक बार व्यू देख लीजिए पटना रिसोर्ट का। फिर से शादी करने का मन कर रहा मंडप देखिए। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि मुझे युवराज के साथ फ़ोटो खिंचवाना था और वो काम में इतना व्यस्त थे कि फ़ोटो खिंचवा ही नहीं पाए। तो जीतन को बोले रुको, उनको पहले बुला के लाते हैं जीतन, उसके बाद फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा हम रील्स के लिए वीडियो बनाए थे जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और यहाँ युवान जीतन सब लोग अपना बैंक्वेट हॉल है, तो जैसे मन वैसे कर रहो। बहुत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबली हर चीज़ होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ठुमका भी लगा लिए जाके साइड में, दूसरे का पार्टी था, दूसरा लोग था। अपने शादी में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन गाना ऐसा सब बजा रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बोले नहीं भाई, चलो थोड़ा सा तो डांस कर ही लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा डांस किए और जीतन को देख देख के युवान भी पूरा डांस किया। देख सकते हैं युवान को बस जीतन का साथ चाहिए और कुछ नहीं। तीनों लोग हम लोग डांस करके इंजॉय किए। और यहाँ देखिए दूल्हे राजा का रथ आ गया है, तो हम सोचे दूल्हा का दर्शन कर ले। तो लगे हाथ लड़की से भी मिल लिए। ये है, ये इनका नाम है सीमा और अमरजीत जी की दुल्हन है और बहुत ही प्रिटी दुल्हन है, बहुत सुंदर दुल्हन है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हो रहा है उनका एंट्री जो कि अब स्टेज के पास जाया जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इस शादी में मेरे साथ हो गया कुछ घटना। एक्चुअली क्या हुआ कि लड़की डांस कर रही थी और वहाँ पे फायर जलना था, तो मुझे पता नहीं था कि फायर जलने वाला है और कोल्ड फायर जलता है। कोल्ड फायर आप यूट्यूब पे कभी सर्च करके देख सकते हैं, बॉडी पे भी फेंक दीजिएगा ना, तो कोल्ड फायर से कपड़ा या स्किन कुछ नहीं जलता, टिश्यू तक नहीं जलता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम ये वाला वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे अचानक से ये कोल्ड फायर स्टार्ट हो गया और मेरे साड़ी में आग पकड़ लिया। मेरा साड़ी का आँचल अच्छा खासा जल गया फ्रेंड्स, मेरे बाल में आग पकड़ लिया था। एक साइड से मेरा लगभग 4 से 5 उंगली बाल जल गया, इतना खतरनाक हो गया था कि आपको बता नहीं सकते हैं। ये लोग असली के मतलब कोल्ड फायर के जगह वो लोग हॉट वाला बारूद वाला फायर ले आया था। मेरे हस्बैंड तो उन लोगों को इतना मारे पहली बार देखे उनको कि वो इस खौफ में थे कि अभी अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो क्या होता। यहाँ पे शादी चल रहा है और अंदर कुछ और ही सीन चल रहा था फ्रेंड्स। हम लोग इनको बताए नहीं क्योंकि नहीं चाहते थे इनका इतना स्पेशल मोमेंट ख़राब हो हम लोगों की वजह से। इसलिए उनको सब जो भी हुआ सब रूम में अंदर ले जाके हुआ। थाना वाना वाला को भी बुलाया गया था जो मतलब वो लोग कोल्ड फायर बोल करके ये हॉट वाला फायर दे दिया था। दुल्हन का भी लहंगा पे थोड़ा बहुत आँच आ गया था फ्रेंड्स। अब तो मतलब बहुत ही ध्यान रखना होगा। हम तो कभी कोल्ड फायर के पास जाएंगे भी नहीं फ्रेंड्स, हम भागो भाग बच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।